नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जी हां दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना क्षेत्र धामपुर से है, जहां पर दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया एक कुत्ते को लेकर और दो लोगों की मौत हो गई है। तो आइए जानते हैं कि पूरी घटना क्या है और किस तरीके से इन दो लोगों की मौतें हुई है। जी हाँ, मामला उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के गाँव पाडली मांडू का है, जहाँ बीती रात कुत्ता खरीदने व बेचने को लेकर आपस में गोली चल गई। इस घटना में राहगीर प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं दूसरे पक्ष के कहर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना को लेकर एसपी संजीव त्यागी ने बताया कि कुत्ते की खरीदारी को लेकर आपस में दो पक्ष भिड़ गए, जिसमें चली गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। जी हाँ, दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं एसपी संजीव कुमार के पास में कि उनका क्या कहना है। थाना धामपुर के गांव पाडली मांडू में आज दो पक्षों में एक कुत्ते की खरीदारी के ऊपर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई। इसमें एक राहगीर प्रशांत को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई, उसके चाचा सतेंद्र घायल हैं। इन दोनों पक्षों में से एक केहर सिंह को भी मार दिया गया है, जो इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई। अभी दोनों पक्षों के लोग भागे हुए हैं, तहरीर थाने में प्राप्त होनी शेष है। पुलिस टीमें अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए लगी। जी हाँ, बिजनौर से हमारे संवाददाता लोकेंद्र कुमार की रिपोर्ट।